हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हम बना रहे हैं आज बेबीकॉर्न के फ्लेटर्स। बहुत टेस्टी स्नैक है, इवनिंग स्नैक है, तो आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं, जब भी खाना चाहें। मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेबीकॉर्न लिया है, उसको कुकर में एक सीटी दिला के सॉफ्ट कर दिया, ठीक है, वॉश करके बॉइल कर दिया। एक सीटी दिलवाई बेसिकली कुकर में। दूसरी और ये है कॉर्नफ्लावर, मैंने इसको लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगी चिली गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्च और पिज्जा सीजनिंग, और इसकी एक स्लरी बनाएंगे। मतलब ना इसे ज़्यादा थिक रखना है, ज़्यादा पतला रखना है, उस तरह से बनाएंगे इसे। इसमें डाला है काली मिर्च, पिज़्ज़ा सीजनिंग, बेसिकली ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक, और ये मेरा चिली गार्लिक पेस्ट होममेड है। मैं घर बना के रखती हूँ, बेसिकली रेड चिलीज को पानी में भिगो देती हूँ थोड़ी देर, देन उसके अंदर मैं डालती हूँ लहसुन, अदरक और उनको पीस लेती हूँ। बस ये 3G पेस्ट है, चिली, गार्लिक और आपका जिंजर। ग्रीन चिलीज भी वैसे मैं ऐड कर देती हूँ, बट क्या है ना, ज़्यादातर थोड़ी मैं लाल मिर्च ऐड करती हूँ, थोड़ा उससे ना कलर टेम्पटिंग सा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च होगी ना, उसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, बाकी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट ये कलर के लिए मैं इसको ऐड करके पीस लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बनाएंगे स्लरी। गाइस, इसमें पानी मिक्स मैंने किया, गाइस इसमें पानी मिक्स, बेसिकली पानी डाल के अच्छे से फेटेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इसे अच्छे से ना चम्मच की हेल्प से फेटेंगे। देखिए लम्स बन रहे हैं ना, लम्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनना चाहिए। ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, ठीक है, रेडी। इसमें हम अपने कॉर्न को डिप करेंगे। देखिए कॉर्न डिप किया, इस तरह से पूरे इसको कवर करेंगे, अच्छी सी कवरिंग देंगे कॉर्न को, एंड देन इसको हम कढ़ाई में डाल के ना फ्राई करेंगे, इस तरह से कॉर्न्स को कवरिंग देके अपने, ठीक है। मैं सारे एक ही बार डाल के डिप कर रही हूँ, बेसिकली आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छे से कवरिंग देंगे, कोटिंग अच्छी सी देंगे, पतली सी थिन लेयर रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ी की लेयर हमको रखनी भी नहीं है, क्योंकि हमें क्रिस्पी कॉर्न बनाना है ना, तो पतली सी लेयर रखेंगे एकदम। मैंने डाल दी है मेरे कॉर्न इसके अंदर, फ्रेम गाइस हम रखेंगे फुल, क्योंकि बेसिकली क्या है, कॉर्न तो हमारा गला हुआ है, हमें सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है, कुरकुरा सा, एकदम, तो उसके लिए फ्लेम रखनी है हमें फुल। गाइस कितना प्यारा इसका टेम्पटिंग सा कलर आया, इसको क्रिस्पी होने देंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और मॉइस्ट। गाइस आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और करारे ये फ्लेटर्स बने हैं, देखिए एकदम मॉइस्ट और बाहर से क्रिस्पी, इस तरह से ही बने हैं। कुछ ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, साथ में तीखी खट्टी मीठी जो चटनी आप प्रेफर करें वो खा सकते हैं। एक हेल्दी स्नैक है।